इतने खराब मौसम के बावजूद झारखंड में खरीफ सीजन में औसतन 73.18% फसलों की रोपाई हो गई। हालांकि यह आंकड़ा पिछले साल से 5% कम है, मगर हालात को देखते हुए इसे एक राहत की खबर बताई जा रही है। झारखंड राज्य में 30 सितंबर तक वर्षा और धान अच्छा दन की स्थिति संतोषप्रद रही। अगर धान की बात करें तो धान 75.630%, मक्का 9.71%, दलहन 67.27%, तिलहन 8.94% और अनाज 37.55%, यानी औसतन 73.18%। कुल मिलाकर तमाम फसलों का अच्छा दन हुआ है। खरीफ सीजन का समापन 1 जून से 30 सितंबर तक माना जाता है। कृषि निदेशक के मुताबिक मॉनसून की अनियमितता को देखते हुए बेहतर आंकड़े हैं। कवरेज की जहां तक बात करते हैं तो उसमें लगभग 76% का कवरेज है, और ओवरऑल जो है जिसमें कि धान, दलहन, तिलहन और मोटे अनाज जिसको कोर सीरियल बोलते हैं, सब मिलाकर जो है वो भी लगभग 75% रहा है। हालांकि रांची, खूंटी, गुमला, लातेहार, बोकारो, दुमका और पाकुड़ 7 ऐसे जिले हैं जिसमें 50% से अधिक लेकिन 75% से कम वर्षा हुई है। रांची, लातेहार, बोकारो, दुमका और पाकुड़ जिले में माह जून से 30 सितंबर तक सबसे कम वर्षा हुई है। इसलिए झारखंड में इस बार भी कुछ जिलों को सूखाग्रस्त घोषित किया गया है। पिछले साल की आंकड़ों से अगर मिलान करें तो इस बार 5% कम फसलों का अच्छा दन हुआ है। 79% का कवरेज था ओवरऑल सभी अनाजों को मिलाकर, और इस साल जो है 75%। इस बार मॉनसून भी देर से आया और बीच बीच में कृषि सुखाड़ की स्थिति भी रही, लेकिन देर से ही सही मगर फसलों की बुआई हुई, उसके बाद अच्छी बरसात हुई जिसकी वजह से धान की बालियां बहुत ही बेहतरीन नजर आ रही है। उम्मीद की जानी चाहिए कि इस बार फसल भी अच्छी होगी। रांची से न्यूज 11 भारत के लिए कैमरा पर्सन कौशल के साथ शहनवाज अख्तर की रिपोर्ट।